हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। कई सारे लोगों की क्वारी होती है, स्टूडेंट्स की क्वारी होती है कि एज लिमिट क्या है। अगर हम एलएलबी करना चाह रहे हैं, बी एलएलबी या फिर एलएलबी, बी एलएलबी 5 साल का होता है, एलएलबी जो है वो 3 साल का होता है, लेकिन इसमें अभी बीच में जो है ये एज रिस्ट्रिक्शन आ गई है, ये क्या है? इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आर्टिकल अभी रिसेंटली आया है और इसमें भी आप पॉज करके रीड कर सकते हो। एक ओल्ड लेडीज जो कि एलएलबी 3 साल की डिग्री लेना चाहती थी, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आपकी एज जो है वो ज्यादा है। और वैसे उनकी एज जो है वो 77 ईयर्स थी, आई मीन 77 ईयर्स है। तो देखिए, इसमें जो है ना, आपको मैं बता दूं कि इसमें ऑलरेडी पीआईएल एक याचिका लगी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में एज रिस्ट्रिक्शन को लेकर। काफी सारे लोग चाहते हैं कि भाई इसकी जो एज का, जो उम्र का प्रतिबंध है, इसको हटाया जाए, ठीक है? क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई शिक्षा लेने की ना कोई एज लिमिट नहीं होती है। जब चाहो जब जागो तब सवेरा, जब कोई शिक्षा लेना चाहता है तब से ही शुरू कर दो पढ़ाई। तो भाई अच्छी चीज है, कभी भी शुरू कर दो। तो फिर इसमें डिग्री लेने में इतना प्रतिबंध क्यों? तो ये बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग लगाया गया है। तो मैं आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। इसमें क्या है कि जो बच्चे 12वीं कर लेते हैं, ठीक है, तो 12th के बाद अगर वो एलएलबी की डिग्री लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज इसकी एंट्री के लिए, एंट्री एज जो है ना वो 20 साल की है। आपने 12th कर ली 18-17 साल में, उसके बाद आपको भाई बैचलर्स ऑफ डिग्री लेनी है। इसमें आपका 5 साल का कोर्स होगा, 3 साल आपके ग्रेजुएशन में लगते हैं, 2 साल आपका जो एलएलबी, तो वो सारा मिला के 5 साल में आपकी जो है डिग्री आपको मिलेगी अगर आप पास हो जाते हो। और मैं आपको बता दूं, इसमें 20 साल अगर आप 12वीं के बात कर रहे हो तो 20 साल की उम्र इसमें जो है मैक्सिमम बताई गई है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है उनके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल 30 इयर्स 30 साल की दे रखी है। और 30 साल से ऊपर जो है कॉलेजेस वो नहीं देते, एडमिशन नहीं देते। तो क्यों नहीं देते, ठीक है? अब आपको फैक्ट से बात बता दूं, ये जो है ये भी याचिका सिर्फ लगी पड़ी है, अभी एससी का इसमें कोई, अभी इसमें जो है एक्यूरेट अभी कोई इसमें रिजल्ट नहीं निकला है अभी तक। ये मामला जो है ये लटका पड़ा है। अगर हम कहें कि भाई 100% बता दिया गया है और अब जो है इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि 20 साल के जो है मैक्सिमम एज है 12वीं के बाद, और 30 साल जो है ग्रेजुएशन के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम एज 20 साल 30 साल अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। अभी आपको जो है संपर्क करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हो। लेकिन हाँ, अगर आपकी देखिए अभी ज्यादा ही एज है, थोड़ी ज्यादा एज है, तो फिर हो सकता है कॉलेज डिनाई कर सकता है। अभी मैंने आपको ये जो मेरे सामने जो आर्टिकल दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको दिखाया है, इसमें आप देखिए इसमें क्या दिखाया गया है। इसमें यही दिखाया गया ना, एक 77 ईयर्स की ओल्ड लेडीज हैं जो कि करना चाहती हैं एलएलबी, लेकिन उनको जो है कॉलेज ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया है। और ये सब चीजें हैं जो लोगों के माइंड में घूम रही हैं। काफी सारे क्वेश्चन, मेरी एक लास्ट वीडियो भी थी जो मैंने इसके ऊपर बनाई थी, उसमें काफी सारे कमेंट्स आए थे। मैं सारे कमेंट्स जो है, काफी सारे कमेंट्स स्पैम में भी पड़े हुए थे कि भाई एज लिमिट क्या है, एक्यूरेट हमें पता चल जाए, इसमें कोई लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो बीसीआई को बोला है, यानी बीसीआई को समझाते हुए कहा है कि भाई जो ये एज रिस्ट्रिक्शन है ये शिक्षा के अंदर नहीं होना चाहिए, इसको आपको जो है हटाना चाहिए, क्योंकि ये बीसीआई के द्वारा ही जो है एज रिस्ट्रिक्शन कराई जा रही है। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, हो सकता है इसके कुछ इंटरनल बातें हों। तो ये सारी चीजें थी इस वीडियो में जो आप तक पहुंचानी थी, सो पहुंचा दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, और आपको ऐसे वीडियो आगे भी देखने के लिए मिलेंगे। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और घंटी का बटन जरूर दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।